3D प्रिंटिंग एक रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर है, बट इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है इसकी स्पीड। इस लिमिटेशन को टैकल करने के लिए कंटिन्यूसली एडवांसमेंट्स भी आ रहे हैं और इवन न्यू टेक्नोलॉजीज भी आ रहे हैं, जैसे क्लिप 3D प्रिंटिंग, जिसके बारे में हम डिटेल में अगले किसी वीडियो में ज़रूर देखेंगे। बट इस वीडियो में हम करंटली सबसे ईजिली अवेलेबल फास्टेस्ट 3D प्रिंटर्स के बारे में देखने वाले हैं और उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस भी देखेंगे। हम जब इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे थे तो कोई स्पेसिफिक लिस्ट नहीं दिख रही थी, क्योंकि हर वेबसाइट पे अलग प्रिंटर्स लिस्टेड थे। सो हमने पांच सबसे कॉमन प्रिंटर्स है उन्हें चूज़ किया है। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। अभी हम जो प्रिंटर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो किसी पे एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के नहीं है, और वो अलग अलग लेवल्स ऑफ 3D प्रिंटर्स यूजर्स के लिए है, फ्रॉम होम एंथुसिएस्ट्स टू इंडस्ट्रीज। ये लिस्ट कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, और अगर आपको लगता है कि इससे कोई बेटर 3D प्रिंटर मार्केट में है जो इस लिस्ट में होना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करिए। सो चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट प्रिंटर की तरफ। हमारा पहला प्रिंटर है एफएलसन QQS। ये एक डेल्टा 3D प्रिंटर है। अगर आपको डेल्टा प्रिंटर्स के बारे में डिटेल में जानना हो तो हमने एक टाइप्स ऑफ 3D प्रिंटर्स के लिए एक वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो को ज़रूर चेक करें। इसका बिल्ड एरिया है 255x255x360 mm और मिनिमम लेयर हाइट है 0.05 mm। डेल्टा प्रिंटर होने की वजह से इसका बेड फिक्स रहता है और इसका डिफ़ॉल्ट स्पीड 60 mm/s है, एंड दी हाइस्ट इट कैन गो अप टू 300 mm/s। सम रिपोर्ट्स सेज दैट कि कुछ लोगों ने मशीन को ट्वीक करके और भी हाई स्पीड्स से प्रिंट किए हैं। बेड फिक्स होने की वजह से ये हाई स्पीड्स पर प्रिंट कर पाता है बिना क्वालिटी को ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किए। नेक्स्ट जाता है WASP 2040 Pro टर्बो क्योर। ये भी एक डेल्टा 3D प्रिंटर है विद अ बिल्ड वॉल्यूम ऑफ 200x200x400 mm एंड अ मिनिमम लेयर हाइट ऑफ 0.05 mm। इसका हाईएस्ट प्रिंट स्पीड कैन गो अप टू 500 mm/s एंड अ ट्रैवल स्पीड ऑफ 1000 mm/s। ये प्रिंटर एफएलसन से बेटर क्वालिटी एट हाई स्पीड देता है, बट इसका बिल्ड वॉल्यूम उससे कम है और इसका प्राइस भी एफएलसन से ज़्यादा है, बट इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी डेटा प्रिंटर। नेक्स्ट इन द लाइन एक SLA टाइप ऑफ 3D प्रिंटर है, जो है UNIS/+UDP और UNIS/Pro। इसका बिल्ड वॉल्यूम 192x122x200 mm है। जैसे कि आपको पता है SLA की प्रिंटिंग स्पीड स्लो होती है अप टू 20-36 mm/h, बट इस प्रिंटर की स्पीड है 1000 cubic centimeter/h, मतलब ऑलमोस्ट 100 mm/h। इसकी हाई स्पीड इसके पेटेंटेड कूलिंग टेक्नोलॉजी की वजह से है, जो LCD स्क्रीन को ओवरहीट होने से रोकता है, विच मीन्स LCD को रेस्ट टाइम की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद जो दो प्रिंटर्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो हाईली इंडस्ट्रियल ग्रेड है। सबसे पहला प्रिंटर है HP Jet Fusion 4200 और 5200। ये एक मल्टी जेट फ्यूजन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की सबसे फास्टेस्ट टेक्निक है, जिनकी स्पीड 4115 cubic centimeters/h है, जो वेरी फास्ट है। इसका बिल्ड वॉल्यूम है 380x284x320 mm, और इसका मेन फीचर है कि इसमें मल्टीपल स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को एक के ऊपर एक स्टैक करके प्रिंट किया जा सकता है। इसका लेयर रेजोल्यूशन लेयर हाइट के टर्म्स में नहीं होता, बट DPI में होता है, जो है 1200 DPI, विच इज़ अ वेरी एक्सीलेंट क्वालिटी, विच कैन ऑल्सो बी प्रिंटेड एट वेरी हाई स्पीड। लास्ट में हम बात करने वाले हैं मैसिविट 1800, जो एक डिफरेंट टाइप ऑफ लार्ज फॉर्मेट FFF 3D प्रिंटर है, जिसका बिल्ड वॉल्यूम है 5 feet 9 inches 2 into 3 feet 9 inches into 4 feet 9 inches। इसमें डायमेंजल जेल डिस्पेंस करके यूवी लाइट से की कांटेक्ट होने पर वो जेल क्योर हो जाता है और इंस्टेंटेनियसली सॉलिडिफाई हो जाता है। इसका स्पीड भी बहुत हाई होता है, 14 vertical inches और 35 centimeter/h। इसमें दो हेड्स होने के वजह से साइमल्टेनियसली दो ऑब्जेक्ट एक साथ प्रिंट किए जा सकते हैं। इट ऑल्सो हैज़ दी एबिलिटी टू प्रिंट विदाउट इंटरनल और एक्सटर्नल सपोर्ट्स, जिसके वजह से हम टोटली हॉलो ऑब्जेक्ट्स प्रिंट किए जा सकते हैं, जो विच कैन बी वेरी लाइट वेट एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट। सो ये थे कुछ हाई स्पीड 3D प्रिंटर्स रेंजिंग फ्रॉम डेस्कटॉप यूज टू इंडस्ट्रीज। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ऑल्सो शेयर द वीडियो, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई न्यू वीडियो मिस ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप प्रिंटिंग।